2 जनवरी 2019 को राम जानकी मंदिर के पुजारी बाबा प्रेमदास का शव मंदिर में फांसी से लटका हुआ मिला। रविंदर फौजदार, जिनका ट्विटर परिचय बतलाता है कि वो भारतीय युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ने पुजारी की छवि ट्वीट करी और उसके साथ ये दावा भी दिया कि ये हत्या जिहादियों ने करी है। अन्य ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने भी मिलते जुलते दावे शेयर किए, यही दोहराते हुए कि ये जिहादियों का काम है। जिहादी अक्सर उपहास करने वाला शब्द है मुस्लिम समुदाय के लिए। तो सच क्या है? रायबरेली पुलिस के ऑफिशियल हैंडल ने 6 जनवरी 2019 को प्रेस नोट ट्वीट किया। इस प्रेस नोट के अनुसार कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक भी मुस्लिम समाज से नहीं है। पुलिस ने एक और ट्वीट भी निकाला, जिसमें सोशल मीडिया पे वायरल दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने रायबरेली के एएसपी शशि शेखर सिंह से बात करी और उन्होंने कंफर्म किया कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ये भी कहा कि सभी आरोपी हिंदू समुदाय के हैं और वायरल दावा एकदम झूठा है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।